हेलो दोस्तों, तो आज मैं बनाने जा रही हूँ गोल्डन क्राउन का बटन मशरूम। आइए, खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है और ये मशरूम फर्मेंटेड है दोस्तों, और ये किसी प्रकार से कोई नुकसान नहीं करता ये मशरूम, और ये ब्रांड देख के ही आप लें। और ये मशरूम बहुत ही टेस्टी लगता है, मैंने बनाया है इसे। और ये मुझे 400 ग्राम का डब्बा है, तो मैंने ये 125 रुपये में ख़रीदा है। तो चलिए बनाते हैं बटन मशरूम। तो ये देखिए दोस्तों, मशरूम में जो जो डालेंगे हम, उसमें प्याज व्याज सब है, मशरूम काट लिए हैं और टमाटर भी डालूंगी। इस मसाले में घोल के जीरा लहसुन हरी मिर्च है, बस यही डालूंगी मैं। और मैं तेल गरम कर ली हूँ और तेल में मैं फ़ौरन डालूँ जीरा का ही फ़ौरन डालें। और ये तेज़पत्ता डालें और फिर इसमें प्याज डालें। जब फ़ौरन जल जाए तो इसमें प्याज डाल दीजिए और प्याज को अच्छे से लाल कर दीजिए। तो मैंने प्याज भी फ़ौरन में डाल दी हूँ दोस्तों, और इसमें मैं अच्छे से भून लूँगी, लाल कर लूँगी प्याज को, और मैं इसे अच्छे से भून लूँगी। और ये देखिए दोस्तों, प्याज अच्छे से लाल हो गया है। अब इसमें मैं मसाला ऐड करूँगी। मसाला मैंने बस घोल के जीरा लहसुन और हरी मिर्ची डाली हूँ और कोई मसाला नहीं। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी मसाला को, और मैं मसाला को पानी डाल डाल के भूनती हूँ, थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के, ताकि मसाला अच्छे से भून जाए और मशरूम का सब्ज़ी में अच्छा स्वाद आए। और मैं इसमें टमाटर थोड़ा सा डाल रही हूँ, क्योंकि फर्मेंटेड मशरूम होता है तो उसको ऑलरेडी खट्टा होता है, और सब्ज़ी आपको जितना खट्टा चाहिए उतना ही उसमें टमाटर डालें आप। और इसमें मैं अब हल्दी डालूंगी। मैं हल्दी हमेशा लास्ट में थोड़ा सा डालती हूँ, मसाला थोड़ा भून जाए तब, ताकि हरी मिर्च पक जाए, नहीं तो सब्ज़ी येलो नहीं होगा। और इसलिए मैं लास्ट में डालती हूँ, क्योंकि मैं हरी मिर्च ही यूज़ करती हूँ। इसको मैं अच्छे से भून ली हूँ मसाला को। अब इसमें मैं मशरूम डालूंगी, जो मैं मशरूम काट के रखी थी वही डालूंगी, और इसको भी अच्छे से भून लूंगी मैं। मसाला मैं ऐड कर लूँगी अच्छे से, मशरूम को मिला लूँगी। तो ये देखिए दोस्तों, मसाला में मशरूम भी अच्छे से मैं भून ली हूँ। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार नमक डालूंगी, जितना आप खाते हैं वैसे ही नमक डालें। और इसको मैं अच्छे से भून लूँगी। मैंने इसमें किचन किंग मसाला 1 चम्मच डाली हूँ, और इसको अच्छे से भून लूँगी। और फिर इसको मैं ढक दूँगी थोड़ा सा गर्म पानी डाल के। और मैं हमेशा गर्म पानी ही सब्ज़ी में डाल दूँगी, क्योंकि ग्रेवी बनाना है, और गर्म पानी इसलिए डालती हूँ ताकि सब्ज़ी का स्वाद बना रहे। ठंडा पानी डालने से उसका स्वाद थोड़ा चेंज हो जाता है, इसलिए आप गर्म पानी ही डालें। और इसको मैं अच्छे से चला करके और इसको मैं ढक दूंगी कुछ देर के लिए, 10 मिनट के लिए इसे ढक दूंगी, ताकि अच्छे से पक जाए सब्ज़ी। और बस क्या, मशरूम तैयार हो जाएगा पक के 10 मिनट में एकदम बिल्कुल। तो ये देखिए दोस्तों, मशरूम बन के बिल्कुल तैयार हो गया है। बहुत ही टेस्टी लगता है मशरूम का सब्ज़ी मुझे। और ये देखिए, ग्रेवी भी एकदम सही है मशरूम का, और बहुत पसंद है मुझे मशरूम, बहुत पसंद है। तो ये देखिए, मैंने मशरूम बनाया है, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम मशरूम है सब्ज़ी मैंने बनाया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। और मशरूम की सब्ज़ी में मैंने ये धनिया पत्ता भी थोड़ा डाली हूँ काट करके, और मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों।